हेलो सो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग ऑफ रोहित के व्लॉग्स। और आज की डेट है 9th of January और आज का दिन है सोमवार। बहुत ही अच्छा दिन है भाई, और बहुत अच्छे दिन के साथ में कुछ स्पेशल भी है। तो स्पेशल ये है कि हमारे एक रॉकिंग भाई स्टार का बर्थडे है, जिसका नाम है अमन, जो कि हमारे बहुत सी शॉर्ट फिल्म्स में बहुत अच्छे अच्छे रोल्स प्ले किए हैं उन्होंने। तो भाई उनका बर्थडे है तो भाई कुछ तो बनता है। मतलब आज हम लोगों ने शूट कैंसिल कर दिया है, पूरा प्लान्ड शूट हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। स्ट्रेटजी वो ये थी कि अमन को बर्थडे विश नहीं करेंगे। मतलब हम लोग क्या होता था, 12 बजता था, हम लोग बर्थडे विश करते थे, अरे भाई बर्थडे। तो मैंने इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया है और किसी ने भी कुछ नहीं किया है, तो हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और ये हुआ है कि तो वो एकदम नॉर्मल था। आज सुबह आया मेरे पास में, बोल रहा है बर्थडे। हमने कहा बर्थडे भाई, तुम्हारा बर्थडे तो अच्छी बात है, शूट है, शूट पे टाइम पे आ जाना। तो बड़ा मुंह बना के चला गया। तो अब हम लोग प्लान करने जा रहे हैं थोड़ा सा, मतलब थोड़ा बहुत जो भी बर्थडे सेलिब्रेशन करना है, हमेशा ऑफिस में सबके लिए करते हैं, वैसा ही करते हैं। 3 बजे आने वाला है वो। तो टाइम कितना हो गया, 12:41 हो गया, मतलब 1 बजने वाला है और 3 बजे तक के सब कुछ प्रिपरेशन कर लेनी, थोड़ा बहुत मतलब उम्र हो गई 25 साल की, लेकिन हरकतें बच्चे वाली भी हैं। पैर उठा रहे हैं, बताओ, मेरा 25 साल की उम्र हो गई लेकिन पैर उठा रहे हैं ऊपर। पैर जानते क्यों उठाता है? 50 घंटों की मेहनत के बाद में हमने क्या बोलते हैं ना, 50 घंटे हम लोगों ने ये मेहनत की और हम लोगों ने जो तैयार किया वो ये है। कुछ नया पर तुम सुन ना पाए हमारी बात। चुरा के दिल दे। तो अभी जो क्या बोलते हैं, अमन के लिए एक सरप्राइज प्लान किया गया है, मतलब एक बढ़िया गिफ्ट। वो ये गिफ्ट है ना, ये गिफ्ट के अंदर आप सोच रहे हो क्या होगा, क्या हो सकता है। ऑब्वियसली कोई कपड़ा या फिर कुछ एक यूनिक चीज या कुछ एंटीक चीज जिसको हम लोग लगाते हैं आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। डिटेल मेरे ब्लॉग पे देख लीजिएगा किसके अंदर क्या है। हाँ, तो ये चीज़ है ना, इसके ब्लॉग में देख लेना, प्लस जब ये सरप्राइज खुलेगा तब देख लेना, ठीक है। तो बाकी और सारी प्रिपरेशन हो चुकी है ऐसे, तो मिलते हैं कई कई बाद में, ठीक है। ये बहुत अच्छी वीडियो बनती है ऐसे ऐसे किसके लिए सब। तो क्या होने वाला है, बवाल अमन के बर्थडे हम लोग करेंगे क्या, सुनिए ऐसा होगा कि हमें बताया नहीं है कि क्या बोलते, मतलब क्या होने वाला, यहाँ होगा ये, जैसे कार रोकेंगे वो अभी आ रहे हैं ना, तो हम वहाँ चढ़ाई कर रहे होंगे सेट पे। तो उसमें होगा ये क्या बोलते, उनको लगेगा क्या बोलते हैं यहाँ पे लड़ाई हो रही है, आप निकलेगी तुरंत, जैसे हम लोग बोलेंगे कि आप निकल जाओ, आप निकलना बड़बड़ाते हुए, बहुत हो गया तुम भी आ रहे जाओ, और क्या बोलते फिर छूट पे नहीं आऊंगी, इतना बोल के आपको निकल जाना है। तो हम लोग ये बंद रखेंगे, उधर हम लोग शूट करेंगे, ठीक है, उधर रूम में, ठीक है, एकदम माहौल गर्मा के। और तुम भी करिश्मा, जैसे ही आएगी तुम बाहर बैठोगे ना, फिर तुम अब आए हो, ठीक है, तुम अब आए हो या तुम ही लेट करते हो ज्यादा, इतना भी ना करो कि ओवर लगे उसको। नहीं नहीं, वही तो कर रहे हो, 3 बजे का टाइम था, 4 बज रहा है, मैं भी सोच रही थी कि जाके अपने घर का झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी। तो एज यू नो ऑल कि आज क्या बोलते हैं, अमन का बर्थडे है और सारे लोग आ चुके हैं, तो फिर जो प्री मैसेजेस हैं अमन के लिए वो सब लोग अभी दे देंगे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे बड़े एक्टर जो हमारे हैं भाभी, तो उनसे करते हैं स्टार्ट। भाभी अमन के लिए मैसेज। हैप्पी बर्थडे अमन, स्टे ब्लेस्ड and fulfill your all dreams. Okay, that's great. Over to Karishma. Hello Aman, wish you a very very happy birthday. और तुम हमारे कलाकार विद कैमरा के स्टार हो, वर्सेटाइल एक्टर हो, क्योंकि कॉमेडी और सीरियस जैसे भी रोल हुए सब तुमने किए, ऐसे ही अच्छे करते रहो, शाइन करते रहो, स्माइल करते रहो। आकाश, हैप्पी बर्थडे अमन, और भाई एक्टिंग तुम्हारी देखी है मैंने, कितनी बढ़िया बढ़िया से की है तुमने, लेकिन अब तुम्हारी एक्टिंग में एक रोल मुझे देखना है रियल में, जो डॉक्टर का रोल तुमने किया था। मैंने कैमरे पे तो देखा था, बहुत सही गया था, लेकिन डॉक्टर को तो रियल में देखना है कैसा करते हो तुम। ओके, दैट्स इट। प्रकर, हैप्पी बर्थडे अमन भाई, बस एक रिक्वेस्ट है कि भाई टाइम पे आ जाए करो।
बस बस भाई टाइम पे शूट पे टाइम पे आ जाया करो, आज भी लेट हो फिलहाल अभी। हैप्पी बर्थडे यार, ये बढ़िया मैसेज होता है। हैप्पी बर्थडे अमन भाई। सब लोग भैया तो यही मोड पे खड़ी थी, सब लोग आ गए और जो प्लान है वो भी रेडी हो गया एकदम। हां जा रहे हैं, जाएंगे जा रहे हैं। आओ अरे हटा, उड़ा लिया यार तुमको क्या, और दिया गियर में। बस तुम लोग यही करते रहो, हमेशा लेट, हमेशा तुम तो हमेशा ही लेट आओ, तब भी तुमको टाइम पे आना ही नहीं है। शूट की बात नहीं है भाभी, एक्चुअली ना प्रॉब्लम ये होती है ना, लोग की क्या बोलते हैं कोई टाइम नहीं होता, एक आएंगे तो ये क्या बोलते हैं रिकॉर्ड नहीं करेंगे अपना। नहीं तुम लोग का तो हमेशा टाइम है, एक घंटा दो दो घंटा बिठाए रखना है टाइम पे, तो कभी आप बताइए जरा इसमें क्या होगा, क्या होगा यार, कुछ ऐसा ना हो कि बस खोलते ही वो जंप कर जाए। नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, या कुछ ऐसा तुम लोगों ने सरप्राइज किया, मोटा होना चाहिए ना, पतला लगता है। और कोई गेस है? रखी हुई है सब सब लोग एक्साइटेड। 1 2 3 ओ फोटो फ्रेम है भाई, है ये कौन सी, अरे ये तो अच्छा सरप्राइज हो गया, इसमें क्या है, वो नीचे रह गई है, नीचे फोटो रह गई, फोटो नीचे रह गई है, एक स्कैम हो गया। ओ नहीं 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 नहीं, ये देखो ये देखो, फर्स्ट राउंड ये बहुत ये परंपरा नहीं है अच्छे से। अरे बाप रे, भाई आज अमन का बर्थडे है, हम लोग पिछले 2013 से और 2023 चुका है, मतलब 10 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, तो हम लोग साथ में हैं, ठीक है ना। तो मतलब कहते हैं ना कि हर इंसान के क्या बोलते हैं लाइफ में एक अच्छा दोस्त होता है, अच्छा भाई होता है, तो मेरी लाइफ में ये है। हाँ हालांकि थोड़ी खामियां भी, वो भी गिनाऊंगा, जैसे कि शूट पे टाइम पे नहीं आते भाई साहब, ठीक है। और मतलब अच्छे अच्छे रोल्स किए इन्होंने, तो क्या बोलते हैं ना, मतलब स्क्रिप्ट याद नहीं करते, तो मैं बस इतना कह कहूँगा कि भाई स्क्रिप्ट तुमको मिल गया, तुम्हारा केक कट गया है ना, तो हमारे पूरे परिवार से यही है, क्या बोलते तुम्हारे लिए मैसेज है कि स्क्रिप्ट याद कर लिया करो और टाइम पे शूट पे आ जाया करो।